मैं जानना चाहता हूँ, आखिरी दिन आपने क्या काम किया? सर, डुअल डे का सीपीयू, सर डुअल डे का सीपीयू उन्होंने निकाला है, रिवॉल्व किया है, क्लीनिंग प्रोसेस की है, तो वो आपको कैसा लगा कि वाकई अभिषेक ने वो किया है, अंदर से कैसा फील आ रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम बताइए। सर अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक आप कहाँ से हैं? सर लखीमपुर, यूपी से। यूपी से अभिषेक, यूपी से जबलपुर क्यों? सर एशिया टेलीकॉम सर बेस्ट है। बेस्ट है जी हाँ सर। कैसे पता चला आपको? क्योंकि देखो आपने अभी पढ़ा तो आपको लगा, आपने पूरे 30 दिन हमारे साथ निकाले यहाँ पर। कौन सी तारीख को आए थे आप? सर 25 तारीख। 25 को आए थे, आज 24 तारीख है, लगभग आप एक महीना रहे हैं। तो आपने तब आपने हमारे को समझा, हमारे को पढ़ाते हुए या खुद को भी सीखते हुए देखा आपने, है ना? तो आपको लगा हम बेस्ट हैं, पर उससे पहले तो आप हमने क्यों बेस्ट मानते थे, मतलब क्यों ऐसा लगा कि? सर यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जी, लाखों वीडियोस हैं बिल्कुल प्रिपेयरिंग के, बिल्कुल सर, लेकिन पैटर्न जो बताया जाता है जी, आप वीडियो में डालते हैं हाँ, उससे फॉल्ट फाइंड हो जाती है। अच्छा, और सॉल्व भी होती है सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे वीडियो हैं उनसे आपको ईजिली लगा कि इनसे जो तरीका सिखाने का वो समझ में आता है? तरीका समझ में आता है और सॉल्व भी हो जाती है। सॉल्व भी हो जाती है, तो जाके सीखेंगे तो ज़्यादा चलेगा। मुझे बताइए कि आप कितने साल से काम कर रहे थे? सर हो गए हमें लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं, तो आप 5 सालों के बाद क्यों ज्वाइन किया, आपने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया, मुझे बताइए। तो सर पहले सर पता नहीं था इतना, लेकिन अब लगा कि आगे बढ़ना है बिल्कुल, तो सर कुछ जीरो से चलना है। जीरो से चलना है जी हाँ सर। कभी ऐसा तो नहीं लगता था, कभी मन में आता था कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो थोड़ा 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 ये सब सिखा दो, कभी ऐसा लगता था क्या? नहीं सर, नहीं लगता नहीं था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हमको कॉल करते हैं और हमको बोलते हैं सी सर हमको तो थोड़ा 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 सा ये सिखा दो, थोड़ा वो सिखा दो, जैसे चार्ट होता है ना, थोड़ा ये डाल दो, थोड़ा वो डाल दो। और जब हम उनसे दो सवाल करते हैं तो उन दो का भी आंसर नहीं दे पाते, वो दो सवाल बैटरी कलेक्टर से जुड़ा होता है, वो तक नहीं आंसर दे पाते, तो मतलब थोड़ा क्या होता है। तो पहली तो चीज़ है, अगर कुछ भी चीज़ सीखना है तो हमेशा अपने आपको जीरो पे रख के सीखे, जैसे कि अभी सीखने की, जैसे सर अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है बिल्कुल हाँ सर। अगर अगर पहले सर कंपोनेंट आपने पढ़ाया जी, फिर आईसी पे गए हाँ, अगर पहले आईसी चले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या आ रहा है। और सर डायग्राम, डायग्राम सबसे जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की है कि हम कंपोनेंट से स्टार्ट किया, अगर हम डायरेक्ट एमएमसी उतारते पहले दिन समझ में नहीं आता, और एमएमसी आप चलो आप उतार भी देते और उसके बगल में आपका एक रजिस्टर ओपन हो जाता तो आपको तो पता ही नहीं चलता ना कि कैसे डेड हो जाता, फिर उसको फाइंड ही नहीं कर पाते, फिर रजिस्टर लगा हुआ है सर, कैपेसिटर लगा हुआ है, डायोड है, सब उलझ जाते, कुछ पता ही नहीं चलता। और ये भी आपने डेड डायग्नोस के बाद सीखा कि मुझे एमएमसी कब उतारना है, ये आपने डेड डायग्नोस यहीं पे सीखा है? जी हां सर, यहीं सीखा। कैसा लगा डेड डायग्नोस का, मतलब कैसा तरीका रहा? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ना, पावर आईसी को, सीपीयू को, हर चीज को डायग्नोस करने का तरीका। तो मैं जानना चाहता हूँ आखिरी दिन आपने क्या काम किया? सर डुअल डे का सीपीयू, सर डुअल डे का सीपीयू उन्होंने निकाला है, रिवॉल्व किया है, क्लीनिंग प्रोसेस की है, तो वो आपको कैसा लगा कि वाकई अभिषेक ने वो किया है, अंदर से कैसा फील आ रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, इजी वे जी हाँ सर। आपने 4G हैंडसेट से सीपीयू निकाल के लगाया है, आप लाइव? जी हाँ सर, लाइव लगाया है, लाइव लगा है, वीडियो है, अभिषेक के वीडियो भी हैं, लाइव आते हैं हम लोग जी हाँ सर, डेली लाइव आते हैं। चलिए ठीक है, फेसबुक पे भी आते हैं जी, और सर यूट्यूब पे भी हैं जी जी। तो अभिषेक आपकी प्लानिंग क्या है जाने के बाद? सर पहले प्रैक्टिस करेंगे 2 महीने जी, फिर उसके बाद कस्टमर के फ़ोन लेंगे बिल्कुल, और उस पर काम करेंगे बिल्कुल। प्रैक्टिस के टाइम पे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत सीखे हैं, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, धीरे धीरे सीखना प्रैक्टिस जी, जैसे आपने बताया कि जीरो से चलेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद कस्टमर से फोन। हाँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अभिषेक के साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग सीखने के बाद में सेटअप बनाने के चक्कर में अपना आधा एक महीना निकाल देते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं और फिर डायरेक्ट कस्टमर का सेट लेते हैं, ऐसा हमारे 2-3 स्टूडेंट कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर डाइट करते हैं। फिर ये एक रीज़न मत करिए, मतलब जो ये काम है ये उसको मत करो, और यहाँ से जाने के बाद तुरंत अगले दिन ही प्रैक्टिस करो। एक दो मेरे नेपाल के स्टूडेंट हैं, मुझे अच्छे से याद है, मुझे वीडियो में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो यहाँ से जाने के बाद 10-15 दिन दोनों ने किसी स्टेंसिल को ही परचेस नहीं किया, और जब स्टेंसिल परचेस नहीं किया और परचेस भी किया तो सबसे लो क्वालिटी की स्टेंसिल परचेस की, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मार्केट की, तो सबसे दिल्ली से एक उन्होंने लो क्वालिटी की स्टेंसिल परचेस की। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे छोटे सा एक वीडियो भी सेंड किया था कि सर मेरा ना हर स्टेंसिल फुल रहा है, मेरे से कोई भी ऐसी रिवॉल्व नहीं हो रही है, सर मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो मैं अभी से ये जानना चाहता हूँ कि टूल्स कितने इंपॉर्टेंट है क्वालिटी वाले, बताइए। सर हथियार अगर नहीं है तो जंग कैसे जीतेंगे? जीतेंगे सर, हथियार सबसे मजबूत होना चाहिए। ऑब्वियस है, मतलब आप कट्टा लेके आप सामने तो कूद नहीं सकते ना, नहीं वो खुद ही पे फट जाएगा जी सर, नुकसानदायक है। बहुत क्वालिटी वाले टूल जरूरी है, और एक बार पैसा लगाना है, पैसा लगाना है,
और पैसा किस पे लगा रहे हो? अपनी पर ना, आप मिठाई की दुकान खोलोगे तो पैसा नहीं लगाओगे क्या? बिल्कुल है ना, खाली बैठ जाओगे? कुछ भी करेंगे सर, पहले पैसा लगाएंगे तभी पैसा आएगा। बिजनेस में पैसा लगाना जरूरी है जी सर। अभी स्टूडेंट लोगों को ये जानना जरूरी है कि वो जब एक फीस भरकर आते हैं और कुछ ट्रेनिंग लेते हैं तो वो उनका एक अदर पार्ट है। अब वो बिजनेस में आ गया तो वहाँ पे उनको भी पैसा लगाना जरूरी है। वो उससे अगर चूकेंगे, बचेंगे कि नहीं अभी मैं नहीं खरीदूंगा, ये बाद में खरीदूंगा। मैं आपको फिर से यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सर एक बार दिखा दो, यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अभी हम सबका एक साथ रिव्यू ले रहे हैं। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने UFI परचेस नहीं किया है, जो सीख रहे हैं, वो UFI जल्द से जल्द परचेस करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो UFI का कंसेप्ट भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। जी हाँ सर, ऐसा है ना? जी सर, उसमें करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे फिर से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच अभिषेक। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। IC से लेकर 4G CPU से लेकर आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल डेकर किए लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर CPU और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?